जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं नवरात्रि की पूजा में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने पूजा के लिए देखो कितना सुंदर मंदिर सजा लिया है। सुबह माता की स्थापना करूंगी, मैं आपको सारी सामग्री बताती हूँ कि मैं क्या क्या सामग्री लाई हूँ। देखिए ये मैंने मंदिर सजा लिया है। देखिए हमने ये एक चौकी ली है, चौकी पे बिछाने के लिए एक ये लाल कपड़ा लिया है, इसको हम सुबह पोंछ के फिर दोबारा से फिर बिछाएंगे इसको चौकी पे कपड़ा। एक लोटा लिया है पीतल का, इसमें जल भरेंगे और इसमें स्थापना करेंगे। और एक नारियल चुन्नी लाई हूँ मैं, एक नारियल चुन्नी लाई हूँ, ये अखंड ज्योत के लिए बाती लाई हूँ, ये कच्चा सूत लाई हूँ, ये कमल गट्टे लाई हूँ, ये एक मिट्टी का पात्र लाई हूँ, इसमें मैं जौ बोऊंगी इसलिए, और कुछ खुले सिक्के मैंने रख रखे हैं, एक मिट्टी का दीपक है, एक मिट्टी का दीपक है, और ये जौ लाई थी बोने के लिए, इनको मैंने आज ही पानी में भिगो दिया है, सुबह तक ये फूल जाएंगे तो जल्दी निकल आएंगे। देखिए ये मैंने माता रानी का लहंगा बनाया है, मेरी माता रानी खूब बड़ी हैं इसलिए ये मैंने माता रानी के लिए लहंगा बनाया है, मेहरून कलर का है। ये माता रानी की चुन्नी बनाई है, कल माता रानी पहन के सजेंगी तब आपको पता चलेगा कितना सुंदर लहंगा है माता रानी का। ये मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े हैं रंग बिरंगे, ये मेरे खाटू श्याम जी का है, ये मेरे राम दरबार की चुन्नी है, ये मेरे खाटू श्याम जी का पटका है, और ये शिव पार्वती का है लहंगा, पार्वती जी का पटका है, ये मेरी हवन सामग्री है, हवन सामग्री भी लाई हूँ, प्रसाद के लिए बतासे, शहद, नौ जायफल लाई हूँ, ये मेरे गणपति भगवान हैं, इनकी भी स्थापना करूंगी कल, लक्ष्मी जी की शेरावाली की अकेले नहीं की जाती है इसलिए गणपति भगवान की भी स्थापना होगी। ये माता रानी के लिए इत्र लाई हूँ, ये कलावा लाई हूँ, ये पांच हल्दी की गांठ है, कलावा है, कलावा भी लाई हूँ, ये जनेऊ है, ये मेहंदी है माता रानी के श्रृंगार के लिए, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, और महावर है, ये पांच सुपाड़ी हैं, और इसमें देखिए इसमें लाल गीला चंदन है, इसमें पीला चंदन है गीला, इसमें वो उसके शेरा वाली माता के लिए सिंदूर है, इसमें चावल है, और इसमें वाइट चंदन है। ये आम के पत्ते हैं, इनको कलश में लगा के रखें। लौंग इलायची है, ये लौंग इलायची हैं, इसमें कपूर है, और इसमें धूप बत्ती है। फल और फूल हम सुबह ले आएंगे क्योंकि रात को फूल मुरझा जाते हैं, इसलिए फल और फूल हम सुबह लाएंगे। ये अखंड ज्योत के लिए दीपक है, ये अखंड ज्योत के लिए दीपक है, एक चम्मच है, थाली है, देसी घी है, बाती हैं, सारा सामान मैंने एक जगह एकत्रित करके रख लिया है, और सुबह उठ के जल्दी काम करके और माँ की स्थापना कर। इसमें पांच पान हैं, और ये हमारा गंगा जल है, सभी चीज़ें हमने एक जगह रख ली हैं। ये कुछ चावल है, इनको मैं पीला और रेड कलर का अभी कलर करके रख दूंगी, सुबह अष्टदल कमल बनाएंगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके इस चौकी पर रख ली है, अब मैं सुबह माँ की स्थापना करूंगी। आप कैसे पूजा करते हो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए।